सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सबसे पहले पुराने फोन से। दोस्तों सवाल आपके लिए यह था कि भैया आप किसको प्रेफर करेंगे, पबजी, सीओडी मोबाइल, फ्री फायर या फिर फौजी में से। तो धुआंधार तरीके से भैया वन साइडेड दोस्तों विक्ट्री मिल गई है पबजी मोबाइल को, और ऐसे में आप सभी में से भैया मेजोरिटी जो है वो दोस्तों पबजी पसंद करती है। तो अभी ऐसे में देखते हैं यार कि जो नया वाला पबजी है क्या वो इंडिया में आता है या नहीं। बाय द वे दोस्तों भी यहाँ पे ऐसे में आज का सवाल भी यही है, हम बात करते हैं बिकॉज अब यूट्यूब में पोल ऑप्शन में सिर्फ 5 ही पोल जो है दोस्तों ऑप्शन देने का यहाँ पे रहता है पूरा सीन। तो आप मिड रेंज मान लो या इन जनरल मान लो कौन से ब्रांड को पसंद करेंगे मोबाइल फोन्स में, सैमसंग, रियलमी, शाओमी, ओप्पो और वीवो में से 5 ऑप्शंस हैं। बताना जरूर क्या आपकी तरफ से मन की बात है सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह बिना किसी देरी के पूरी ताकत से बस सीधा दबा डालिए लाइक बटन को। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आता है डिजी डॉग को लेके। यहाँ पर दोस्तों पुलिस जो है वो दोस्तों इस बॉस्टन डायनेमिक्स के जो है दोस्तों कुत्ते को बेसिकली यूज दोस्तों कर रही है। ये एक मतलब दोस्तों डॉग शेप का रोबोट है और ऐसे में न्यूयॉर्क में दोस्तों पुलिस है वो इसको यूज कर रही है अलग अलग मिशंस के लिए। तो यहाँ पे खैर काफी लोग जो है वो प्राइवेसी को लेके भी जो है वो कंसर्न जो है अपना दिखा रहे हैं कि भैया ऐसे में नो मतलब किस हद तक ये सेफ है या नहीं है या जो भी है। वैसे आप दोस्तों क्या एक्सेप्ट करेंगे फ्यूचर में, अगर आप देखेंगे आपके आसपास आपको रोबोट्स 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 मिल रहे हैं जगह जगह पे, तो क्या वो चीज जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या, बताना जरूर मन की बात क्या है नीचे कमेंट करते हुए। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में फ्रेमवर्क लैपटॉप को लेकर। दोस्तों यहाँ पे ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है जहाँ पे इसमें अपग्रेडेबल पार्ट्स हैं, मतलब टेक्निकली आप दोस्तों पूरा लैपटॉप जो है भैया अपने हिसाब से बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, चीजें स्वैप इन स्वैप आउट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों काफी एक इंटरेस्टिंग सी ही चीज है और में ये समझ लो कि गूगल वाला जो था ना प्रोजेक्ट एरा वो वही है, बस ये अब एक लैपटॉप के लिए मोबाइल फोन के बदले। और यहां पे बहुत सारी चीजें मतलब मदरबोर्ड, बैटरी या दोस्तों इसके अलावा स्क्रीन की बात कर लें या हम बात कर लें पोर्ट्स वगैरह की, सभी को स्वैप इन स्वैप आउट करने का ऑप्शन होगा। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे, अब लेट्स सी कि ये आखिर कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगला उसको अपडेट निकल के आता है यहाँ पे प्ले स्टेशन नेटवर्क को लेके। दोस्तों अभी ऐसे में पिछले करीब 48 घंटे से ये डाउन चल रहा है, इससे पहले दोस्तों जो एक्सबॉक्स वाला सीन था पूरा वो डाउन था। अभी के लिए काफी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि जो अभी करंट दोस्तों PS3, 4 या PS5 वाले यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है PS नेटवर्क से कनेक्ट करने में। अगला उसको वैसे तो लोग बोलेंगे कि यार बस PS5 दिला दो, नेटवर्क तो चलो छोड़ो, PS5 होगा तो हम ऑफलाइन गेम खेल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बट गेम खेलने का मजा चाहिए। क्या PS5 का गिव अवे होना चाहिए, क्या कहते हो डीजी फैमिली, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है माइक्रोसॉफ्ट को लेके और यहाँ पे दोस्तों ये अभी एक द न्यू विंडोज, दोस्तों विंडोज का कुछ एक नया वर्जन या दोस्तों कुछ नई जो है वो अभी आने वाली है चीज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिपोर्ट्स के हिसाब से, जहां पे दोस्तों ये शायद फोल्डेबल्स के लिए या मतलब यू नो और बेहतर टच स्क्रीन के जो डिवाइसेज आजकल आने लग गए थे सारे, तो मतलब उनके लिए इंटरफेस या मतलब कुछ नया विंडोज में प्लान कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Huawei P50 सीरीज को लेकर, और ऐसे दोस्तों रूमर्स के हिसाब से ये पहला फोन होगा दोस्तों जहां पे सोनी की जो IMX800 सेंसर है दोस्तों, जहां पे 1 इंच का इसका साइज है, बहुत बड़ा होगा यार मोबाइल फोन के लिए, तो वो Huawei के P50 सीरीज में हमको देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी भैया मोबाइल फोन्स की धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आगे देखते हैं कहाँ जाके हम ब्रेक लगाते हैं। अगला उसका अपडेट निकल के आता है यहाँ पे LG को लेके और भैया पेटेंट निकल के आया है एक्सटेंडेबल OLED टीवी के डिजाइन का, है भैया टीवी जो है उसको अपनी जरूरत अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मोबाइल फोन में एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, टीवी में एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, सब जगह पे काम चालू है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे रेड मैजिक 6 को लेके और यहाँ पे भैया ये आने वाला है 500 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में, बहुत ज्यादा ही दोस्तों फास्ट हो जाएगा देख के ऐसा लगता है बिल्कुल जो आपका गेमिंग वाला पूरा सीन है। वैसे अब दोस्तों जो पबजी बैन हो चुका है इंडिया में है नहीं ऑप्शन, तो मतलब क्या आपका अभी भी मन करता है गेमिंग स्मार्टफोन्स की तरफ, थोड़ा सा मतलब आपका इंक्लिनेशन रहता है क्या, या आपको लगता है कि नहीं यार अब गेम्स तो रहे नहीं है खेलने के लिए, तो फिर गेमिंग फोन काम क्या करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है ओप्पो फाइंड X3 सीरीज को लेके। 11 मार्च को भैया जितने हमने लीक्स देखे थे वैसे ही यहाँ पे डेट सेट हो गया इसी के लॉन्च को लेके, और यहाँ पे दोस्तों के लॉन्च जो है वो माइक्रोसॉफ्ट अपना सर्फेस 2
2O2 जो है वो शायद जल्दी कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों इसमें इंप्रूव कैमरा होगा और साथ में आपको मिलेगी 5G कनेक्टिविटी। सर्फेस 2 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट था, ऑल दो परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थी, लेकिन लगता है कि सर्फेस 2O2 कुछ अच्छा हो सकता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अच्छे होने की, तो यार वन प्लस 9 सीरीज जो है वो डेफिनेटली बहुत सही होने वाली है, बिकॉज दोस्तों ऐसे में वन प्लस के जो फोन है पिछले कुछ टाइम से वो मतलब एक के बाद एक वन प्लस बिल्कुल ठीक काम किए जा रहा है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों कुछ स्पेक्स वगैरह लीक हो गई हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं वन प्लस 9 प्रो सीरीज के, अभी ऐसे पता नहीं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन देख के लगता है कि दोस्तों कुछ ऐसा होगा यहाँ पे सीन वन प्लस 9 प्रो का। फिर 9 भी है, 9R भी है, लेट्स सी फोन्स कब लॉन्च होते हैं। वैसे ये भी एक डेट निकल के आया है कि शायद 23 मार्च को ये फोन्स लॉन्च हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग के गैलेक्सी E02 को लेके, ये फोन शायद बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो फोन है इंडिया में लेके आ जाएगा गैलेक्सी ई सीरीज को, ई सीरीज का पहला फोन E02। लेट्स सी ये काम आखिर सैमसंग ऑफिशियली कब करता है। अगला दोस्तों यहाँ पे रेडमी नोट 10 लाइनअप को लेके भैया लीक्स तो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों बॉक्स की फोटो, खुले बॉक्स की फोटो, फोन की फोटो, पता नहीं मतलब क्या क्या लीक हुआ है। और यहाँ पे भैया अभी इसके अंदर हमको मालूम चला है मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल्स का एक सुपर मैक्रो कैमरा। ये वो 2 मेगापिक्सल दोस्तों मैक्रो नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्रो कैमरा जिसमें टेलीफोटो लेंस है साथ में लगा हुआ, जो कि और 2x मैग्निफिकेशन देगा। तो ऐसे में लगता है कि कुछ प्रॉमिसिंग होने वाला है। बाकी अगर क्या रहती है इसी Redmi Note 10 सीरीज की पूरी कहानी, वो तो खैर अभी हमको 4 मार्च को ही पूरा हिसाब मालूम चलेगा। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M12 को लेके, दोस्तों ये 11 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में, 8 नैनोमीटर्स वाला प्रोसेसर, और साथ में दोस्तों है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स का एक क्वाड कैम सेटअप। मैं आपके लिए आज इसका एक एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक तो लेके आ ही चुका था, जहाँ पे एक झलक देखी आपने इस फोन की, देखते हैं बाकी इस फोन की पूरी कहानी क्या होती है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे के F19 Pro और F19 Pro Plus 5G को लेके, यहां पे दोस्तों इनको भी टीज कर दिया है, लिखा है कमिंग सून। तो यहाँ पे ऑफकोर्स दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिजाइन की और कैमरा की ओप्पो के इन्हीं फोन्स में, तो लेट्स सी क्या रहती है इन्हीं फोन्स की पूरी कहानी और इंडिया में एग्जैक्टली इनका लॉन्च कब होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Realme को लेके, भैया Realme का X9 Pro दोस्तों अभी X सीरीज का एक शायद नया फोन हो सकता है, जहां पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, 90Hz का यहाँ पे होगा दोस्तों डिस्प्ले, तो कुछ नया शायद हम देख पाएंगे दोस्तों। हो सकता है ये जो है थोड़ा सा और आगे लेके चला जाए Realme ही X लाइन को। तो अभी X9 की हम बात कर रहे हैं, मतलब छोड़ के Realme जंप लगा के भैया फोन्स लॉन्च कर रहा है, देखते हैं कि आखिर इसका लॉन्च कब तक हो पाता है। वैसे यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास मोटोरोला की तरफ से, दोस्तों मोटो वॉच, मोटो वॉच 1 और मोटो जी स्मार्ट वॉच, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग स्मार्ट वॉचेस जो है वो मोटोरोला प्लान कर रहा है। मोटोरोला के खैर कुछ फोन वैसे भी लगता है कि इंडिया में जल्दी आने वाले हैं, और ऐसे में आजकल काफी एग्रेसिवली दोस्तों काम कर रहे हैं मोटोरोला, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात लगती है हमको देखते हुए। फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो स्मार्ट वॉचेज है ये भी इंडिया में कब तक लॉन्च कर पाते हैं दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।